हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं बर्मुडा रेमास्टर। देखते हैं आज हम ये गेम में कितने किल करते हैं। यहाँ पर लॉबी है, ऑलमोस्ट 44 लोगों की लॉबी है और मेरे ख्याल से हमें उतरना चाहिए ग्रेवियर। ग्रेवियर में काफी अच्छी लूट मिल जाती है और हमें स्पेशल गन चाहिए जहाँ पे वो AC-18। तो हमने उसमें एबिलिटी लगाई है कि उसमें साइलेंसर का ऑटोमेटिक उसमें लग जाता है और लूट भी काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे ग्लोव भी काफी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, और हम शॉर्ट रेंज पे रखेंगे UMP। ठीक है, तो अब देखते हैं UMP से क्या मजा करते हैं और AC-18 से क्या किल करते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, कितने किल कर पाएंगे हम आज? हमारे साथ में एक बंदा यहाँ उतर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले कोई भी छोटी मोटी गन मिल जाए तो अच्छा है। अरे वाह, क्या ही बात, मतलब भगवान देता है तो ऊपर वाला चप्पर फाड़ के देता है। अपने पहले आते ही शॉर्ट रेंज के लिए UMP दिए। बंदे की आवाज यही कहीं से आ रही है, शायद बंदा ऊपर की तरफ है। यस, तो हम कुछ कुछ चीजें तो लूटे थे। हमारे पास गोलियां सिर्फ 60 है। चलो हम ऊपर चलते हैं। अब ये ऊपर भी नहीं है, इसके भी ऊपर है। देखते फिर भी आजू बाजू पहले मुआयना कर लेते हैं। बंदा ऊपर के ऊपर ही फुटस्टेप दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। चलो जाए जाए, चलो जाते हैं। 1 2 3 गो। अबे तू कहाँ भागेगा रे, निकल लॉबी में जा भाई, लॉबी में जा। तेरा काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेटर है तो लॉबी में जा तो अच्छा है। नया गेम प्ले स्टार्ट कर, यहाँ पर आ गया है रिच बॉय। दोस्तों आप मेरे चैनल को आप देख सकते हो, वन साइड रिच बॉय नाम से है। यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल को। अब मेरा गेम प्ले कैसा लग रहा है आपको मुझे बताओ। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। और प्रॉब्ली मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि हर एवरी 15 को मैं गिव अवे स्टार्ट करूँ। ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी आईडी अपने इसमें डालते रहो। यहाँ पर किसी ने फायर किया है, देखते कौन है बंदे का मूवमेंट। हाँ, कॉर्नर पर है, वहीं पर कहीं पर। हाँ, ये गाड़ी नहीं, ये नहीं आया। हमें अपनी अभी तक गन नहीं मिली है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या हम कर सकते हैं, कौन सी गन हमें मिलती है। हमें SKS मिल जाए, ओडपैकर मिल जाए या AC-18, तीनों में से कोई एक गन चाहिए, क्योंकि तीनों गन हमारे लिए बहुत लकी है और मुझे ज़्यादा पसंद है वो गन चलाने के लिए। अभी ऑन कर, लोगों ने रिलोड कर दिया तो रिलोड का प्रॉब्लम कर दिया, तो रिलोड में काफ़ी दिक्कत आती है। और ये हमें मिल चुकी है SKS, मेरी फेवरेट गन, बढ़िया है। चलो हेल्थ किट भी काफ़ी अच्छे अपने जमा हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बैकअप प्लान तो होना ज़रूरी है। वॉल्स हमारे पास 2 है, बट 2 में काफ़ी हम मैनेज कर लेंगे। हेल्थ किट भी हमारे पास 3 थी, अभी 4 हो चुकी हैं। अब देखते हैं हमें बंदा कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आते हैं बंदे को ढूंढने के लिए और देखते हैं क्या है। अभी तक 44 में से 30 बंदे बचे हैं, मतलब एक हम मिला के 30 बंदे बचे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 3rd लेवल का जैकेट है, हेलमेट नहीं है। इस तरह किसी ने हमें हेडशॉट दे दिया तो हम पहले फुर्सत में लॉबी में निकल जाएंगे। हमारा 1 किल अभी तक यहाँ पे हो चुका है और बंदे का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। बट फिर भी हम ढूंढते हैं बंदे को कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, देखते हैं। चलो हमने अपनी गन्स कर ली है प्रिपेयर। क्या लगा दोस्तों, आपको लगता है कि ये गेम में हमारे किल्स अच्छे खासे हो जाएंगे? टारगेट हम अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ो चलते हैं 12 से 15 का टारगेट रखते हैं, बट देखते हैं कितना होता है। आप लोग क्या लगता है कितना होना चाहिए, आप कमेंट करो उसमें। बंदा यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे पहले एक हेलमेट खरीदते हैं, बट पैसे टोकन ही नहीं है यार मेरे पास, तो सिर्फ 200 टोकन है, तो कहाँ से खरीदूँगा। चलो यहाँ पर 1st लेवल का हेलमेट मिल गया है मुझे। ठीक है, अच्छा एक ग्लू वॉल भी मिल गई है, बट ये ग्लू वॉल आ क्यों रही है भाई मेरे बैग में। ग्लू वॉल आ जा, ग्लू वॉल आ जा, ग्लू वॉल आ जा। नहीं यार, ग्लू वॉल क्यों नहीं आ रही है ये? कभी कभी गरेना ग्लिच दे देता है, कुछ समझ में नहीं आता कि ग्लू वॉल आ क्यों रही है। बाय द वे, ये मैंने UMP मैक्स तो नहीं किए, क्या लगता है आपको मैक्स करनी चाहिए इसको? इसका इमोट भी काफ़ी अच्छा है UMP का। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताओ कि इसको मैं मैक्स करूँ कि नहीं करूँ। पहले मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ, मुआयना करता हूँ बंदा है कहाँ पे, क्योंकि उसने वो येल्लो बॉक्स भी लूट लिया है उसने। नहीं, यहाँ से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है, यहाँ पर तो वो नहीं है शायद? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। चलो गाइस चलते हैं यहाँ से दूर, आगे निकलते हैं। 25 बंदे बचे, अब क्या होगा आगे देखते हैं। मज़ा आएगा, लैंडमाइन मिल गया। हम अपने हेलमेट को जरा अपग्रेड कर लेते ताकि बच सकें हम, क्योंकि 1st लेवल का हेलमेट मतलब पहले गोली में निकलना मुमकिन है,
कंफर्म है कि हम पहले गोली में निकलेंगे। ड्रोन ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे हमें आसपास कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम राइट साइड में देखते हैं कोई बंदा मिलता है क्या हमें। बंदे अभी और एक कम हो गया, 24 हो गए हमारे किल, हमें करने 12 से लेके 15 तक। ओह 23 हो गए भैया, लगता है हम पीक तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। अगर पहुँचते पहुँचते में सब बंदे निकल लिए तो फिर हम क्या करेंगे, 2 या 3 किल यार, ये तो फिर नूब वाला गेम हो जाएगा, मज़ा ही नहीं आएगा इसमें। नहीं यार, हमें ग्लू वॉल बस मिली है 3, अब देखते हैं क्या करते हैं, 3 ग्लू वॉल में हमारा काम होगा क्या नहीं होगा। एक बार हम ग्रेवर की तरफ देखते कोई अगर शायद उतरा हुआ। अरे मेरी AC-18 मिल गई मुझे भैया, बढ़िया बढ़िया, अब तो जलवा बिखरेगा, अब तो जलवा। मतलब 2 से 3 गोली में बंदा लॉबी में, मतलब काम ही नहीं है यहाँ पे, बस दिखना चाहिए अभी कोई मुझे। ठीक है, सामने ड्रॉप गिरा है, मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ, शायद उसमें मुझे ग्लू वॉल मिल जाए, क्योंकि जब शॉर्ट रेंज में जो होता है ना, ग्लू वॉल की बहुत काफी जरूरत पड़ती है। और ग्लू वॉल ना हो आपके पास तो समझ के चलो भैया आपका राम नाम सत्य होना ही होना है, और आप निकल लोगे पहले फुर्सत में सीधा लॉबी में। आई होप यहाँ पे कोई बंदा नहीं हो, बंदा हो तो हमें एकदम सावधानी से खेलना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों अपना चैनल नया है वन साइड रिच बॉय, आप यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हो, लाइक करो कमेंट करो। अच्छा चलो 3 ग्लू वॉल मिल चुके हैं, यहाँ पे हम लैंडमाइन लगा देता हूँ मैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस तरफ से तो प्लेन आया नहीं था, इस तरफ कोई आएगा भी नहीं, शायद वो अकेला बंदा कहीं चला गया होगा, वो और एक ऐसी दुनिया में चला गया होगा वो। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है अभी चलते हैं राइट साइड में, देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या मिलता है। यहाँ पे कहीं गाड़ी की आवाज़ आ रही है मेरे को, कोई गाड़ी चला रहा है। हाँ भैया इस तरफ गाड़ी गाड़ी खेल रहा है, ये DJ लोकल कोई है, बंदा काफी हेडशॉट पे हेडशॉट लगा रहा है, सामना इसे करना पड़ेगा हमें। भैया भैया तुम्हें भेजेगा हम लॉबी में। अच्छा भैया यहाँ पे आ गया, ओहो पेटी बन भी गई, चलो थोड़ा सा जरा हम यहाँ पे जरा कैंप कर लेते हैं, देखते हैं बंदे कितने हैं, क्या है कौन है ये। अच्छा भैया चंद भाई तू पहले हेडशॉट में निकल, तू भाई तेरी जरूरत यहाँ पर नहीं है, लॉबी में निकल। ठीक है और ये हमें मजा आ गया, लॉलीवुड भी हमने दे दिया। अच्छा पीछे भी, अच्छा भाई साहब निकल, तेरी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। बादल भैया तू बादलों में चला जाएगा, बादल को हमने बादलों में भेज दिया है। ठीक है क्या लगता है दोस्तों कितने किल होंगे, 3 किल हो चुके हैं, 15 बंदे बचे हैं। अब असली मुकाबला तो वो जो DJ लोकल है उस बंदे से करने में मजा आएगा। कतई तेज हुआ जा रहा है भैया, मतलब क्या ही बात, किल पे किल किए जा रहे हैं। चलो अब कुछ लूट लूटते हैं, इसके पास हमें शायद ग्लू वॉल्स मिल जाए, नेड मिल जाए तो मजा आ जाएगा यहाँ पे हमें। तो इसमें इतना मजा आएगा कि जब आएगा नेड में मिल जाएगा इसके अंदर लूट काफी, दोनों की पेटियां यहीं पर बनी पड़ी है। ठीक है मजा है मजा, अरे वाह वाह क्या बात है, ग्लू वॉल तो काफी अच्छी खासी मिल चुकी है हमें। ये DJ DS लोकल फिर से इसने किसी को हेडशॉट दिया, अरे पीछे बंदे है भैया, भैया हमें तो बताओ कहाँ पर हो तुम, दिखाई नहीं दे रहा कोई बंदा। अच्छा ये स्क्वायर घर के पास है, अच्छा 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 हो रहा हो रहा हो रहा, नहीं नहीं ये दूसरा आया, ये भाई तू पहले निकल हेडशॉट लेके। अब ये बंदा कंफ्यूज है कि वो बंदा गया किधर, ये आ गया। अच्छा ये बंदा फिर से अंदर चला गया, क्या लगता है दोस्तों मिल पाएगा, आजा भाई आजा भाई आजा भाई, ये आ गया इसको पड़ा, निकल भाई। समीर भाई तुम भी घर पे जाओ, लॉबी में खेलो, लॉबी में खेलो, ऐसे डांस करो लॉबी में डांस करो, ठीक है मजा आएगा लॉबी में यार। भैया प्यार तो सभी से करते हैं, बाकी ये हार्ट वाला गन मुझे काफी अच्छा लगा, ये मेरे पास पहले से नहीं था, ये अभी अभी मैंने वो लक रॉयल में निकाला है मैंने, मजा आया यहाँ पर। एक बंदा और भी कोई है यहाँ पे, ठीक है। ओहो ये VSS किसने चलाई, बंदे की मार्किंग मुझे आई नहीं कहीं से, VSS चला रहा है। हमें काम करते हैं हेल्थ किट मारते हैं, पहले जोन के अंदर चलते हैं तब जाके मजा आएगा, वो बंदा आएगा यहीं से कहीं ना कहीं से मिलेगा हमें जरूर। दोस्तों हमारे 5 किल हो चुके हैं और बंदे बचे 8, और मतलब तुझे लगता नहीं कि हम, ओहो अब बंदे बचे 7, मतलब मुझे लगता है कि हमारे 10 किल भी हो पाएंगे।
जो हमने सोचा था 12-15 का, नहीं यहाँ से बंदा आते थे वो टाइम जाएगा, वो टाइम लेगा, उससे बेटर जोन के अंदर से कोई हमें हेडशॉट दे देगा, हम रुकेंगे नहीं किसी एक जगह पर। जनरली क्या होता है कि जब हम अरे बंदा 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 भैया चलो तू हेडशॉट में निकलो भाई, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, निकलो 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 निकलो। अच्छा कोई है, उसने भी सारे से लगाया, कौन है भाई? अच्छा ये ब्रिज के ऊपर। ओ भैया कहाँ जा रहे भैया? अभी इसने ग्लू वॉल मार दी, ग्लू वॉल मारने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रुकेंगे, ये निकला बाहर, ये भैया लॉबी में, मैडी भैया लॉबी में, इधर जरूरत नहीं। अच्छा ये डीएस लोकल फिर से आ गया, यार ये डीएस लोकल हमारे किल काफी चुरा रहा है। समीर भाई तुम भी, ए दो दो समीर, बढ़िया भाई समीर भाई, दोनों समीर भाई को हमने लॉबी में भेज दिया है, ठीक है। हमें काम करते हैं राइट साइड में, जिसे हमने मारा था उसके पास लूट देखते क्या मिलती है। हमारे पास ग्लू वॉल काफी ज्यादा हो चुकी है और ग्रेनेड भी काफी अच्छे हो चुके हैं, तो फिर भी हम देखते क्या मिलता है हमें, जितनी ज्यादा ग्लू वॉल उतना अच्छा है। ऑलरेडी हमारे पास अभी 14 ग्लू वॉल है। अरे भाई साहब ये तो पूरा मतलब भंडार लेके निकला था भैया, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया। ड्रॉप गिर रहा है मगर हम ड्रॉप के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास काफी सारी लूट है। यहाँ पर भी पड़ी है हमारी फेवरेट गन, एसीटी के बात ही अलग है। अगर आपका एम प्रॉपर लग जाए और बॉडी शॉट भी लगे तो बंदा 2 या 3 गोली में निकल लेता है, ठीक है। हम थोड़े यहाँ पे जरा हमारा ये अगर शायद ये रिवाइव ये लास्ट में अगर बंदा है वो जोन को लेके ये कुछ गेम प्ले अलग से गेम प्ले करे तो ये हमें ज्यादा मजा आएगा, बट हम उसको उसका भी मौका नहीं देंगे कि वो हेल्थ को लेके अपना एक अलग से गेम प्ले करे, ऊपर कहीं छुप कर बैठे, क्योंकि वो भी हमें डेफिनेटली देख रहा होगा कि हम भी किल्स लिए जा रहे हैं। हमारे 8 किल अब तक हो चुके हैं और बंदे है अभी 3 बंदे, और ये बंदा सामने, भैया कहाँ जा रहे हो? ऊपर नहीं ऊपर नहीं, लॉबी लॉबी लॉबी, हाजिक भाई निकलो लॉबी में, आपको लॉबी में जाना है। भैया पहाड़ कहाँ चढ़ रहे हो और क्या करना चाहते हो पहाड़ चढ़ के? अब बंदे बचे 2 और डेफिनेटली वो डीएस वाला बंदा जो है वो भी है। हम ब्रिज पे कैंपिंग नहीं करेंगे, हम नीचे उतरेंगे, सामने फेस टू फेस लड़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ जरा एक दो इमोट मार लेते हैं, जरा भैया इमोट मार के जरा लोगों को देखते, जो हमें एक्सपेक्टर कर रहे हैं उन दिखाते हैं, भैया हम भी है, हम भी अपने गली के शेर है, ठीक है। ये है भाई हमारे पास कोबरा की जरा पूरी एकदम स्क्रीन है, ये हमारा डांसिंग बंडल है भैया, मजेदार। चलो अभी जरा कुछ किल किया जा रहा है, उसने और एक बंदा मार दिया। ओ भाई साहब मतलब भैया 10 किल तो करने दो कम से कम। लगता है ये डीएस वाला यही बंदा है। चलो भैया अब हम भी आते हैं, चलो चलो। अच्छा अच्छा भैया, ओहो भैया कहाँ जा रहे हो? छुपना नहीं है भैया, छुपना नहीं है, छुपना नहीं है, छुपोगे तो ना अलग अलग कांड होगा, अलग कांड होगा। अच्छा ओ भाई साहब क्या बात है, सामने आ गए, बढ़िया। नहीं 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 MP40 बाबा, डीएस लोकल घर पे जाओ,